आज हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमने चंद्रयान गुट्टा चांद तारा मस्जिद से लेके ऊपर एयरपोर्ट बोर्जी होटल तक का एक बड़ा मसला था ड्रेनेज लाइन का। ड्रेन लाइन जो है ना बहुत दिनों से काम पेंडिंग था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उस काम का हमने इब्तदा किया। और मेरे साथ में साथ साथ यहाँ पर हमारे एरिया के इब्तदाई के पूरे सदर हजरात हैं, मैम हमारे मुजू भाई, अब्दुल्ला भाई, आदिल भाई, हमारे साबिर ईमानी साहब, अली अली भाई साहब, अली बहादेक, हमारे अब्दुल्ला भाई कहाँ गए, अब्दुल्ला भाई, अयूब भाई, सारे हमारे जमात के इब्तदाई के सदर हजरात पूरे मौजूद हैं। आज हम ये वाटर बोर्ड के ऑफिसरों को भी बुलाए, उनके साथ आज इब्तदा हुआ। इंशाल्लाह कल या परसों में जो है ना वो सीवरेज लाइन का काम भी चालू हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने जो है ना चंद्रयान गुट्टा चौरस्ते से लेके वो पुराना पुलिस स्टेशन तक का राइट साइड में एक पूरा इंक्रोचमेंट हो रहा था। कई लोग जो है ना यहाँ पर गरीबों को बिठाकर कई पैसे लेकर उन लोगों को यहाँ पर बिठाए थे, बिठा के जो है ना उनसे पैसे वसूल कर रहे थे। तो हमने जो है ना हमारा ट्रैफिक CI नायक साहब को रिक्वेस्ट किया, ACP साहब को रिक्वेस्ट किया, हमारे चंद्रयान गुट्टा CI साहब को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से लेकर, और साथ ही साथ हमने GHMC के स्टाफ को भी बुलाया। GHMC का स्टाफ भी आज मौजूद है। हमने इन लोगों को भी बोला जो प्याज के बंडियाँ हैं, जो डब्बे हैं, कि यहाँ से सब लोग जो है ना इनको 5 बजे तक आज परमिशन दिए। 5 बजे तक अगर ये लोग क्लियर नहीं करे तो यहाँ से पूरा क्लियर करने के लिए हमने साहब को बोला, हमने साहब से रिक्वेस्ट किया, ट्रैफिक CI साहब से भी, हमारे GHMC के अहदेदारों से, हमारे चंद्रयान गुट्टा CI साहब से भी। तो मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं इनसे भी बोलना चाह रहा हूँ कि 5 बजे तक आप क्लियर कर लीजिए, नहीं करे तो हम कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। क्योंकि आप दिन ब दिन देख रहे हैं ट्रैफिक का मसला कितना हो रहा है और एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, तो इसको नज़र में रखते हुए हम आज यहाँ से जो है ना चंद्रयान गुट्टे की पूरी रोड का इंस्पेक्शन करें। 5 बजे तक आप लोग को सारों को टाइम है, 5 बजे तक ये पूरा क्लियर करिए। और मैं ये सारे बस्ती के आवाम का भी, यहाँ के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ताउन किया। और मैं हमारे CI साहब का फिर से एक वक्त कहना चाहता हूँ कि साहब आपकी खास अगर तवज्जो रही, आज हम क्लियर करने के बाद में भी अगर ये लोग बैठ रहे हैं तो आप इस पर नज़र रखिए साहब, कि आज हम क्लियर कर दिए फिर कल ये लोग आके बैठ गए, इससे जो है ना ट्रैफिक का मतलब हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तो आपकी नज़र होना जरूरी है साहब। और पीछे भी जो है ना हम तेल की दुकानों का, चमन के भी जो ना VDCC रोड का एक बड़ा काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह जो है ना बहुत ही जल्द कम्प्लीट होगा। काम स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह 4-8 दिन में वो भी काम कम्प्लीट हो जाएगा। 95 लाख रुपीज से हम जो है ना वो GHMC से अप्रूवल लिए लेके ऑलमोस्ट 2 गलियां कंप्लीट हो गए। अब जो पूरा पुलिस स्टेशन थे, जो आप लोग हाल ही में बस्ती के सारे नौजवान मिलके जो कचरे की कुंडी उठाए, जिसमें साहब का भी बहुत बड़ा ताउन था, मोहम्मद भाई का भी ताउन था, जो मोहम्मद भाई भी जो काम कर रहे थे ना इनका भी बहुत ताउन था, इमाम साहब जो थे उनका भी ताउन था, ये सब मिलके कचरे कुंडी हटाए। लेकिन उसके साथ साथ मेंटेन भी करना थोड़ा जरूरी है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो कचरे की कुंडी से लेके पूरा ये रिलायंस मार्ट तक पूरी रोड है, इंशाल्लाह थोड़े ही दिन में काम तो चालू हो गया, इंशाल्लाह थोड़े दिन में काम मुकम्मिल हो जाएगा। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।